गोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए की का जाए रिश्ता आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम सबसे पहले सुर्खियां शेरी बारामूला में तेईस खवीन समेत 510 नए भर्ती होने वाले रिक्रूटों की पासिंग आउट परेड से एल जी मनो सिन्हा का खताब अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की पुलिस से ताकीद इंतजाम की ताकत लोगों से जुड़ने और पायदार तरक्की के लिए बाहमी तान से काम करने की सलाहियत में मुजमर एल जी के मशीर आर आर भटनागर मरकजी सरकार के मुलाजमीन और पेंशनरों के लिए महंगाई अलाउंस और महंगाई बत्ते में इस साल जुलाई से चार फीसद का इजाफा इस फैसले से अड़तालीस लाख सड़सठ हजार मरकजी मुलाजमन और अड़तालीस लाख पेंशनर होंगे मुस्तफ़ीद और ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से दो सौ छियासी मुसाफिरों को लेकर पांचवीं परवाज पहुंची नहीं दिल्ली अब देखते हैं खबरों की तफसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नारको टेररिज्म और नफसियाती जंग बड़े खतरा से उभर रहे हैं उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को इन चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करना होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर आज शीरी बारामूला में तेईस खवतन समेत पांच नए भर्ती होने वालों की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे मतदिद महाजों पर लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस भरपूर सलाहियत रखती है और उसने यूटी की इज्जत और वेकार के तहफ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है एलजी ने कहा कि पिछले तीन बरसों में हालात बहुत बदल चुके हैं और अब आम आदमी एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहा है लेकिन कुछ तोड़ करने वाले अनासिर अमन में रखना डालने के दर पर हैं क्योंकि वह गरीब लोगों के पुमन जिंदगी गुजारने से खुश नहीं हैं एलजी ने कहा कि पुलिस को इन अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए उन्होंने नए पास आउट से कहा कि उन्हें दहशत और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए अहद लेना चाहिए मानोज सिन्हा ने इस मौके पर डीएसपी हमायूं भट्ट समेत पुलिस के शहीद हुए बहादुर जवानों को जबरदस्त खराजी तहसीन पेश किया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और पूरी कुम अपने मादरी वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए इन बहादुर जवानों का मकरूज है इस मौके पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कम अज कम तैंतालीस पुलिस स्टेशनों को अपने मुतल इलाकों में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत जदीद तरीन साजो सामान और दीगर सहूलियात फराम की जा रही है उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा महीनों में दो खवातीन बटालियन कायम की जा रही हैं जबकि बॉर्डर ग्रिड को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा निचली सतह पर हुकुमरानी की तरफ से एक पेशकदमी करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर आर आर भटनागर ने व्रहिल बुलाक के जमालपुरा पंचायत हल्के का दौरा किया डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने मशीर का खैर मुकदम करते हुए अवामी दरबार का आगाज किया जिस दौरान मकामी तरक्की बशमूल बुनियादी ढांचा तिबी निगहदाश्त तालीम और जल जीवन के मुख्त पहलुओं पर तबादल ख्याल किया गया इस मौके पर जिला तरकियाती कमिश्नर अक्षय लाबरू और जिले के दीगर अफसरान के अलावा पी आर आई मेबरान सेक्टोरल अफसरान और मकामी लोग भी मौजूद थे पी आर आई और जवालपुरा और दीगर गाँव के लोगों ने मशीर मौसु के सामने अपने अपने मुतालबात रखे इस मौके पर बोलते हुए मशीद ने शरकत की हुक्मरानी की अहमियत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि हमारी इंतजामी की ताकत लोगों से जुड़ने पायदार तरक्की के लिए बाहमी तान से काम करने की सलाहियत में मुजमर है उन्होंने इलाके में तरक्याती कामों की पूरी तकमील पर जोर दिया और मतलकन से कहा कि सड़क प्रोजेक्टों का काम जल्द अमल आवरी में लेने के लिए हाथ में लेना चाहिए ताकि मुकामी आबादी के लिए बेहतर रबती को यकीनी बनाया जा सके जिला इंतजाम कुलगाम ने आज लोगों की शिकायत और मसाइल के जल्द अज जल्द निपटारे के लिए जिले के तीन बुलाकों में अवामी रबता प्रोग्राम का इनका किया डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिदीन बट ने कैंप के दौरान लोगों के मसाइल सुने इस प्रोग्राम में अश्थल गुंडकेलम, रहमान काकरन लडगू चंबागुंड व दीगर इलाकों के लोगों ने शिरकत की जिन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही मुतालबात पेश किए इन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पी आर आई मेम्बरान ने भी अपने इलाकों के कई मुतालबात पेश किए इस मौके पर कई महकमों के सरबरान और अफसरान ने लोगों के सवालत सुने हुकूमत ने मर्कजी सरकार के मुलाजमन और पेंशनरों के लिए महंगाई अलाउंस और महंगाई बत्ते में इस साल जुलाई से चार फीसद का इजाफा किया है इस इजाफे से अब डी ए और डी आर को बयालीस फीसद से बढ़ाकर छियालीस फीसद कर दिया गया है काबिना की मीटिंग के बाद इतलात व नशियात के मर्कजी वजीर अनुराग ठाकुर ने सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस फैसले से अड़तालीस लाख सड़सठ हजार मर्कजी सरकार के मुलाजमन और लगभग अड़सठ लाख पेंशनर्स मुस्तफ होंगे महंगाई बत्ती और महंगाई रिलीफ में किए गए इस इजाफे से खजाने आमरा पर सालाना बारह हजार आठ सौ सत्तावन करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा काबिना ने मार्केटिंग सीजन 2024 25 के लिए छह अरबी फसलों की खातिर कम अज कम इमदादी कीमतों की भी मंजूरी दी है वज़ीर मौसू ने कहा कि चार सौ पच्चीस रुपये फी क्विंटल के सबसे ज़्यादा इजाफे को मसूर दाल के लिए मंजूरी दी गई है इसके अलावा रेपी सीड और मस्टर्ड की ज्यादा से ज़्यादा इमदादी कीमत में भी दो सौ रुपये फी कोंटल का इजाफा किया गया है इसी दौरान जम्मू कश्मीर के अवाम ने मरकजी काबिना की तरफ से कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे किए जाने के फैसले का खैर मुकदम किया है जी ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एमएसपी लागू किया है एमएसपी हाइक किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हाइक किया है ये हम किसानों के लिए बहुत ही खुशखबरी है और हम तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जिन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है किसानों के लिए प्रखंड के इजाफे से कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसकी जिसका हमें बहुत सा टाइम से इंतजार था किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा कि इसमें जो शराब बढ़ गया है इससे काफ़ी फायदा मिलेगा और हम मुंतजिर थे इसके कि कब ये लागू हो जाएगा तो बिल्कुल काफी खुशी की लहर दौड़ गई है पूरी किसान तबके में कि पी को जो है आज कैबिनेट में पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कारगिल हिल काउंसिल के नौ मंतखब काउंसिलरों और चेयरमैन को मुबारकबाद पेश की है उन्होंने डॉक्टर जाफर आखून को हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के पांचवें चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर मुंतखिब होने पर भी नई ख्वाहिशा का इजहार किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जमहूरियत की बहाली और आइन की बालादस्ती को मुकदम ठहराया है और इसी जमात ने खवान को बाख्तियार बनाने के लिए तारीखी और इनकलाबी इकदाम किए हैं इन बातों का इजहार पार्टी की खातन विंग की सदर शमीमा फिरदोस ने आज शेरी कश्मीर भवन जम्मू में खातन विंग के एक कन्वेंशन से खताब करते हुए किया प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडरों की एक अहम मीटिंग आज चर्च श्रीनगर में मुनकद हुई जिसमें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और मकामी आबादी बिलखसूस पसमानदा तबकों पर इनके असरात के बारे में तबादले ख्याल किया गया मीटिंग में सरकदा लीडरों में बीजेपी के जेएड के इंचार्ज अशीष सूद जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और पार्टी के ओबीसी मोर्चा के सदर सुनील प्रजापति शामिल थे लीडरों ने सरकार की पहले विश्वकर्मा स्कीम को उजागर करते हुए कहा कि तेरह हजार करोड़ रुपए वाली स्कीम को दस्तकारों और कारीगरों खासतौर पर जम्मू कश्मीर में दीगर पसमानदा तबकों के फायदे के लिए डिजाइन किया गया है इनकम टैक्स महकमे ने जिला इंतजामिया शुपिया के इशरक से आज शुपिया में टैक्स की जानकारी से मुलक एक प्रोग्राम का अहतमाम किया जिसका मकसद डी डी ओज और टैक्स अदा करने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के मुख्त मद्दों के बारे में जानकारी फरहम करना और टैक्स की कटौती में डी डी ओज के रोल को उजागर करना था प्रोग्राम के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मुकर्रन की तरफ से लेक्चरों के जरिए इनकम टैक्स एक्ट और आई टी आर्स को बरवकत जमा कराने और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल किया गया इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शुपैया फाजलुल हसीब जो इस प्रोग्राम में बहि सितमानी खसूसी मौजूद थे ने कहा कि डी के लिए इस प्रोग्राम का अहतमाम काफ़ी जरूरी था क्योंकि इससे उन्हें टैक्स रजीम की बेहतर अमलावरी के बारे में जानकारी हासिल होगी तकरीब से खताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स श्रीनगर शकील अहमद गनाई ने मुल्क की तरक्की में इनकम टैक्स के रोल को उजागर किया और डी की तरफ से बरवकत और जिम्मेदाराना तरीके से टैक्स काटे जाने और टैक्स पैरा के रिटर्न जमा करने की जरूरत पर जोर दिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा ने मनशियात से नजात पाने के लिए आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर के इश्राक से कॉलेज में एक प्रोग्राम का इका किया इस प्रोग्राम में कॉलेज के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के डॉक्टर शावकत हुसैन और कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर हुदा गुलजाई ने तलबा पर जोर दिया कि वो मंशियात की लत से खुद को दूर रखें और दूसरों को भी इस बिदत से दूर रहने की तलकन करें जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के अहतमाम से टैगर हाल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का इनका किया गया तकरीब पर मरूफ अफसाना निगार मुश्ताक महदी का अफसानवी मजमू कइनीमियोल जू की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई तकरीब की सदारत आकाशवाणी श्रीनगर की सबक प्रोग्राम सरबरा रुखसाना जबी ने की अफसाना मजमु पर मरूफ कलमकार शाहिद दिल्ली ने तबसरा पेश किया तकरीब पर सरकर्दा उदबा शहरा और कलमकार मौजूद थे शरद नवरात्रि की पहली नवरात्रा पूजा आज एलओसी के करीब टेटवाल में नए तामीर करदा शारदा मंदिर में अर्चन की गई मुल्क से आए हुए यात्रियों की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की काबिल जिक्र बात है कि यह पूजा तकसीम मुल्क के बाद पिछले पचहत्तर सालों में पहली बार मुनकद की गई हम्पी के स्वामी गोविंद नंदा सरस्वती ने भी अपने पैरोकारों के साथ तकरीब में शिरकत की जो कर्नाटक में भगवान हनुमान की जाय पैदाश कशकंदा से रथ यात्रा पर टेटवाल पहुंचे थे तकरीब पर चंद कश्मीरी पंडित यात्री भी मौजूद थे जिनमें थिएटर की मारूफ शख्सियत ए के रैना भी शामिल थे कर्नाटक से शुरू हुई भगवान हनुमान की रथ यात्रा आज लाल चौक श्रीनगर पहुंच गई इस मौके पर मकामी बाशिंदों ने यात्रियों को गर्म जोशी से इस्ताल किया कि या, 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 यात्रा बार की कसीर सकाफती वरसे की अक्कासी करती है जहाँ मुख्तलि तबका फिक्र के लोग इकट्ठे हुए हैं कर्नाटक से श्रीनगर तक इस खास यात्रा ने पूरे कौम को एक पैगाम दिया है कि कश्मीर अमन और यकजहती की सरजमीन है ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से 18 नेपाली बाशिंदों समेत दो सौ मुसाफिरों को लेकर पांचवीं परवाज कल रात नई दिल्ली पहुंची एक सोशल मीडिया पोस्ट में एम ई ए तर्जुमान रिंदम बागसी ने कहा कि हवाई अड्डे पर इन मुसाफिरों का इतलात व नश्यात के मर्कजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरगन ने वालिहाना इस्कबाल किया भारत दिल अबीब से ऑपरेशन अजय के तहत लड़ाई से मुतासर इलाके से अपने शहरों को तेजी के साथ वतन वापस ला रहा है मजकरा ऑपरेशन का आगाज इसराइल में मौजूद तकरीबन अठारह हजार बाशिंदों को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की जानब से किया गया है राइल और फलस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप हमास के दरमियान लड़ाई का आज बारवां दिन है यह लड़ाई इस महीने की सात तारीख को हमास दहशतगर्दों के जरिए शदीद हमले के बाद शुरू हुई थी वजीर अजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल महाराष्ट्र में पांच सौ ग्यारह प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रिया का आगाज करेंगे ये केंद्रिया रियासत के चौंतीस दही अजला में कायम किए गए हैं इन मरकज में मुख्तलिफ शोबों से हुनरमंदी की तरबियती के, के प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि दही नौजवानों को रोजगार के मौके फराम किए जा सकें मरकज तकरीबन सौ नौजवानों को दो वोकेशनल कोर्सों में तरबियत देगा यह तरबियत हुनरमंदी के फरोत से मुखल कौमी काउंसिल के तहत तस्लीम शुदा सनती शरात और एजेंसियों की जानब से फराहम की जाएगी इन केंद्रों के कयाम से ख़त्ते को मजीद मुकाबला मुझे जाती और हनरमंदी अफराधी कवत तैयार करने में मदद हासिल होगी वजी अजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को दिन की 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बिरून मुल्क अवाम के साथ अपने ख्याल का इजहार करेंगे लोग नेमो फोरम या माई जीओ ओपन ऐप पर अपने ख्याल मुश्तर तौर अदा कर सकते हैं आवाम टोल फ्री नंबर एक आठ सिफर सिफर एक एक सात आठ सिफर सिफर पर डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में वजी अजम के लिए अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं लोग दो, दो नौ एक पर मिस कॉल भी दे सकते हैं फोन लाइनज इस, इस महीने की सत्ताईस तारीख तक खुली रहेंगी। लोग एस एम एस पर हासिल लिंक पर जाकर वजी अजम को बरह रास्त अपनी तजावीज भेज सकते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फौज ने बांडीपुरा के बखतूर और गुरेज में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इका किया जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेल की तरफ रागब करना और जहनी व जस्मानी नशनुमा की तरफ ध्यान देना था इस मौके पर इलाके के लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने पर फौज की सराहना की और मौसम से मुतलिक जानकारी महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरार सोलह आशारिया आठ डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत सात आशहारिया आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत सत्ताईस डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत बारह आशारिया सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज एट डी डी न्यू श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा ये खबरें डी डी काशिर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे अल्लाह हाफ Gracias.